जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है और अभी तक शायद आपकी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुई होगी, क्योंकि दोस्तों सेंटअप एग्ज़ाम में पूरे सिलेबस से पूछता है क्लास 12 के। इसलिए आज से मैं सीरीज लेके आया हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग जो है और कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये सीरीज शुरू करूँ या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा आपका सॉल्व कराऊँगा, जितना भी ज़रूरत होती है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आप समझें कि शायद ये सीरीज आपको पसंद आती है नहीं, और जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आता है या फिर बोर्ड में पूछता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो पर बने रहें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप लोग यूनिट 1 अभी तक मुझे लगता है पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी किलोवाट वार KWH यूनिट किसका यूनिट है, आपका 2015 सेक्शन ए में पूछा गया था। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी का। ठीक है दोस्तों, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मेटल इज इंक्रीज, यानी जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज, तो उसका कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेटल का। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो सेकेंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेन्स अनचेंज। आप टेम्परेचर बढ़ाने से, आपका इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका होगा रिमेंस अनचेंज, यानी कि वही रहता है। रिमेंस सेम भी हो सकता है या फिर रिमेंस अनचेंज, यानी कि नहीं चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका दोनों तरीके से होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल इट्स रेसिस्टेंस, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मेटल का तो उसका रेसिस्टेंस का क्या होता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में अक्सर यही सब पूछता है। तो थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका जो है रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, तो निम्न में से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम बाटा एम्पियर पर स्क्वायर। ओम बाटा एम्पियर पर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ये तीनों है और ये सी ऑप्शन नहीं है, ओम बाटा एम्पियर पर स्क्वायर पावर का यूनिट नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट सेगमेंट शोविंग इन फिगर, तो यहाँ पर जो है करंट सर्किट का सेगमेंट दिखाई दे रहा है फिगर में। ठीक है, -4 वोल्ट, 300 में रेसिस्टेंस, फिर -1 वोल्ट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो मैं इस कमेंट कीजिएगा, इसी पर वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूला पर कि न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.10 एम्पियर, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही आंसर होगा 0.10 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो आपका 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनर्जी। यानी किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसी को किरचॉफ सेकेंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2017 में सेक्शन सी में पूछा भी गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, more than 6 वोल्ट। ठीक है, 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, more than 6 वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाऊँ तो फिर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, यहाँ पर मुमकिन नहीं है। ठीक, तो 9 क्वेश्चन आपका, वेटसन ब्रिज कंपेयर्स, तो वेटसन ब्रिज जो है वो क्या कंपेयर करता है। ठीक है, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेसिस्टेंसेस। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, आपका 2017 सेक्शन सी में भी पूछा गया है। तो वेटसन ब्रिज जो है वो रेसिस्टेंस को कंपेयर करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, तो SI मोबिलिटी का SI यूनिट क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन ए, AM बटा न्यूटन। AM का फुल फॉर्म शायद एम्पियर होगा, मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपका 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, AM बटा न्यूटन, जो 2017 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन इसी तरह सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं, तो ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव 3 बल्ब ऑफ 40, 60 एंड 100 वाट, 3 बल्ब है जिसका, ये पहला का 40, 60 एंड थर्ड का है 100। फिर कहता है, विच ऑफ दिज हैज लोवेस्ट रेसिस्टेंस, तो कौन सा बल्ब के पास सबसे कम रेसिस्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपको वाट दे दिया है और आपको पूछा है कि सबसे लोवेस्ट रेसिस्टेंस किसका होगा। ये सब लॉजिकल सवाल जो आपको पूछ सकता है आपका बोर्ड में, ठीक है, घुमाने के लिए। तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 वाट बल्ब, यानी जितना ज़्यादा वाट होगा उतना लोवेस्ट रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, ऑपोजिट होता है, जितना पावर का होगा उतना कम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
हंड्रेड वाट बल्ब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। अ 4 किलोवाट बॉयलर यूज फॉर 2 आवर्स डेली कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज। तो एक 4 किलोवाट बॉयलर है, यानी बॉयलर मतलब जो पानी या फिर कोई चीज़ को गर्म करता है, जो 2 घंटा प्रत्येक दिन कंज्यूम करता है, 2 घंटा यूज करता है डेली, और वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज। तो वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी 30 डेज में गेन करता है, ठीक है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 240 यूनिट, ठीक है। क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, 240 यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाई 836 वाट हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सी यानी सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक कोई हीटर है जो 836 वाट का है, ठीक है, उसको 1 लीटर पानी गर्म करने में 10 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस पहले था, उसको 40 डिग्री सेल्सियस किया, तो कितना क्या लगा उसको, टाइम लगा, यानी कितना टाइम लगा पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 150 सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है, सेम टू सेम, इसलिए आप अगर हो सके तो ऑप्शन को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि 150 सेकेंड आंसर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 kWh इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है, तो शायद ये आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.6 × 10⁶ जूल। क्या है? 3.6 × 10⁶ जूल बराबर होता है 1 kWh, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज, तो एक हेल्दी मैन का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। दोस्तों ये जीके क्वेश्चन भी है, जीके जीएस भी है, और आपका बोर्ड में 2011 में पूछा भी गया है, तो 16 का आपका कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50,000 ओम, ठीक है। एक हेल्दी आदमी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 50,000 ओम, और वहाँ पर सिर्फ अगर आदमी भी रहता तो आपको वही लगाना होता, 50,000 ओम, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर फॉलोज इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड, यानी कि 10 एम्पेयर करंट है जो फॉलोज हुआ 10 सेकेंड के लिए एक वायर में, ठीक है, जिसका, और फिर आगे दिया हुआ है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वायर में 15 वोल्ट, द वर्क डन विल बी, तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट गुना नहीं करना, 15 × 10, इसको वोल्ट पे फॉर्मूला पे बैठाना पड़ता है, जो 2012 सेक्शन ए में पूछा भी गया है, ठीक है। तो 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 जूल, ठीक है, 1500 जूल, ये नहीं कि डायरेक्ट बैठा दिए 150 जूल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, अ करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स। एक करंट फ्लोज होता है एक वायर में जिसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट, और 20 मिनट के लिए जो है वो बहता है, तो उसका हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस किया वो, ठीक है। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2800 कैल्शियम, 2800 कैलोरी शायद है यहाँ पर, ठीक है, 2800 कैल्शियम जो है वो हीट प्रोड्यूस किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, सभी करंट का अल्जेब्रिक सम जो कोई एक पॉइंट पर मिलता है तो उसका क्या कहलाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इन्फिनिट होगा या जीरो होगा, ये 2015 में भी पूछा गया और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0, यानी कोई भी हो, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एक पॉइंट पर अगर मिले तो उसका ऑप्शन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट इज 0, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होता है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, V²R, शायद ये आपको मालूम होगा, 2015 और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, V²R। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज हमको शुरू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैथ का भी ऑब्जेक्टिव कोशिश करूंगा लाने का, ठीक है, उसका, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होता है, फिर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो मैं लाने का कोशिश करूंगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर उसको शायद पसंद आ जाए, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब से आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तब तक के लिए।